नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। उपखंड मुख्यालय के मनोकामना सिद्ध बालाजी मंदिर के पास से निकल रहे फोरलेन से सटी जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 162 पर सड़क के किनारे स्थित राजमार्ग प्राधिकरण की बेशकीमती जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। हाईवे की सड़क थोड़ी ऊंचाई पर स्थित होने से सड़क बाउंड्री की शेष भूमि थोड़ी नीची है, जिसको कुछ लोगों द्वारा मिट्टी भरवाकर हाईवे के बराबर कर अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है। अतिक्रमियों द्वारा डंपर व जेसीबी लगाकर नदी के पास बने टीलों से अवैध खनन कर इन गड्ढों को भरा जा रहा है। अब तक सैकड़ों डंपर मिट्टी डाली जा चुकी है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर मध्य सड़क से दोनों तरफ 100-100 फीट भूमि NHAI द्वारा अधिग्रहित कर रखी है और सड़क से 247 फीट तक वाणिज्यिक व 132 फीट तक के दायरे में घरेलू प्रयोजनार्थ किसी भी प्रकार निर्माण नहीं किया जा सकता, लेकिन इन भूमाफियाओं द्वारा नियमों को ताक पर रखकर मात्र 10-15 फीट दूरी पर ही खड्डों को पाटकर हाईवे की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। राजमार्ग के सहारे अतिक्रमण की जा रही भूमि से जवाई जल योजना की पाइपलाइन गुजर रही है, वहां पर एक एयर वॉल्व भी लगा हुआ है। भूमाफियाओं द्वारा उक्त पाइपलाइन व एयर वॉल्व को भी मिट्टी डालकर दबाया जा रहा है। भविष्य में पाइपलाइन और एयर वॉल्व की मरम्मत आदि कार्य में विभाग को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। राजमार्ग सीमा में अवैध अतिक्रमण की सूचना पर मंगलवार को तहसीलदार पुष्पेंद्र पांचाल ने मौके पर पहुंचकर मिट्टी भराई कार्य को रुकवाकर खनिज विभाग को सूचित किया गया है। NHAI द्वारा किसी भी प्रकार की कोई स्वीकृति जारी नहीं की है। हमने रोड सेफ्टी के लिए मौके पर मेटल बीम क्रैश बैरियर लगवा दिए हैं। मौके पर जाकर सड़क सीमा में किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करने के निर्देश दे दिए हैं और NHAI के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। पुष्पेंद्र पांचाल, तहसीलदार रायपुर। एयर वॉल्व को ढका तो होगा मुकदमा। जवाई जल परियोजना हेतु बिछाई गई लाइन पर लगे एयर वॉल्व को मिट्टी से ढका नहीं जा सकता। यदि किसी ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा।